श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सब लोग कैसे हो, ठीक हो, मैं यही बोलूँगा कि आप सब लोग कैसे हो मेरे को कमेंट करके बताना, और ब्लॉग कैसे लगे पिछले ये भी कमेंट करके बताना। और दोस्तों आज क्या है, आज हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। मैं दाड़ला घाट से गाड़ी लोड करके आया रोपड़ के लिए, तो सोचा था कि आज वॉशिंग करूँगा, लेकिन बारिश का माहौल है, बारिश का मौसम है, तो नहीं करूँगा। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, तो क्या चक्कर है कि दाड़ला घाट से आते आते घर तक आते आते मेरे तीन चार फ्रेंड है जिनके घर पड़ते हैं, मैं बीच में रुकता आता हूँ, चाय पी लूँगा या कुछ खा लूँगा, सब कुछ करता हुआ आऊँगा, फिर उसके बाद मैं घर पहुँचता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा पानी वानी मारेंगे अपनी गाड़ी को। वैसे तो बारिश चली हुई है धीरे धीरे, पर कोई चक्कर नहीं, हम बारिश में थोड़ा थोड़ा पानी मार लेंगे क्योंकि गाड़ी का बहुत ही बुरा हाल है। उसके बाद हम चलेंगे आगे रोपड़ के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आज बहुत कुछ धीरे धीरे से। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये रहा हेडपंप, यहां से हम पानी भरेंगे और गाड़ी को थोड़ा धोएंगे। दोस्तों गाड़ी के पास तो मैं आ गया, मगर चाबी भूल गई। अब मैंने बंदे को भेजा, वो चाबी लाएगा दोस्त के घर से, फिर हम गाड़ी को खोलेंगे लॉक वॉक, फिर उसके बाद धोएंगे थोड़ा बहुत। आज तो मेरा दोस्त मना कर रहा है गाड़ी धुलाने के लिए, गाड़ियाँ दे रहा है मेरे को जितनी भी इसके मुँह से निकल रही है, पर हमने गाड़ी धोनी है, बारिश चाहे जितनी मर्जी पड़ जाए, हमने गाड़ी धोनी है तो धोएंगे। अभी हम मैं दिखाऊँगा आपको गाड़ी धोते हुए कि कितनी गंदगी है गाड़ी में। मैं हूँ ही ऐसा ऐसा नहीं है यार, पूरा बस मारना। तो दोस्तों चाबी आ गई है, अब दोस्त गाड़ी का लॉक ओपन करेगा और ये बैठ जाएंगे गाड़ी भी, क्योंकि इनकी मेरी हेल्प कराने की कोई वो नहीं है, मन नहीं है, तो मैं खुद ही अब अकेला ही लगूंगा। दोस्तों हेडपम्प भी खुद ही चलाऊंगा और गाड़ी भी खुद ही धोऊंगा। दोस्तों बारिश बहुत तेज है, तो क्या है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं गाड़ी के नीचे बैठा हूँ, मैं देखो ताकि मेरे ऊपर पानी ना आए। देखो गाड़ी के ठीक नीचे बैठा हूँ मैं। अरे ऐसा नहीं है कि मैं इस ये चल पड़ेगी या कुछ भी, ये बड़े दिनों से खड़ी है यहाँ पे गाड़ी, सिर्फ इसके नीचे बैठ गया हूँ क्योंकि चाबी अभी लेट आई। चाबी अब आ गई तब मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा, अपनी गाड़ी में बैठूँगा। वैसे आप देख सकते हो मेरे साथ ये भी बैठा है गाड़ी के नीचे, हाँ मुझे थालो कर, मोहित नाम है इसका, ये भी गाड़ी के नीचे बैठा, ये मेरी मदद करवाएगा दोस्तों गाड़ी धुलाने में। मोहित करवाएगा ना मेरी मदद, करवाएगा ना, हाँ दोस्तों ये मदद करवाएगा अपनी गाड़ी धुलाने में। आपको मैं दिखाता हूँ अभी दूसरा वाला, वो वीडियो बनाएगा तो तभी ब्लॉग में पड़ सकेगी वो वीडियो, जब मैं ही वीडियो बनाऊँगा, मैं ही धोऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ऊपर से हमारा फोन पहले ही ऐसा है बेचारा, हल्का सा और ख़राब हो गया तो बस फिर सब कुछ गया पानी में, फिर बन बैठे फिर ब्लॉग, फिर हल्का ही ब्लॉग है। Thank you.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. दोस्तों ब्लिंकर तो नहीं भीगा है, सेफ है वैसे तो बारिश से, अभी तक तो नहीं भीगा है। मैंने तो कार दिलवा दिया था दोस्त से, क्योंकि मैं तो कहीं चला गया था। दोस्तों दोस्त के घर से हम निकल चुके हैं अब। रोड पूरा भीग गया है, तो आराम आराम से चलेंगे हम। बेशक मैं अभी ड्राइव करते हुए वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि मैं मेरा ध्यान फ़ोन में है या कुछ भी, मैं प्रॉपर वैसे ही ड्राइव कर रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ। मैंने फ़ोन चलते चलते सेट कर दिया रखेगा भी दोस्तों, ताकि क्या है कि मेरे को फ़ोन पकड़ना ना पड़े या कुछ भी, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरे गाड़ी में क्या दिक्कत है कि इसका तीसरा गियर स्लिप करता है, तो मैंने फ़ोन सेट कर दिया था। तो मैं कहा मैं आपको बताऊँगा उसमें क्या होता है कि ये घर है, एक हिसाब से ये हमारा घर है ड्राइवर का, तो ये हमें रखना पड़ता है अंदर से साफ, क्योंकि इसमें सोना भी है रहना भी है। अब ऐसा तो नहीं है कि पड़े रहे ऐसे धूल में मिट्टी में, बेशक दोस्तों धूल वाला काम है, ऐसा नहीं है कि बहुत साफ सुथरा काम है ड्राइवरी, इसमें धूल बहुत खानी पड़ती है दोस्तों, और मिट्टी गाली है तो चलो खैर खानी ही पड़ती है, पर धूल बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है। पर फिर भी दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आज की डेट में दाड़ला घाट में, हमारे दाड़ला घाट में एक से एक बढ़ के गाड़ी आ रही है, लड़के इतना अच्छा काम गाड़ियों का ला रहे हैं करवा के कि वाह कमाल दोस्तों, वाह कमाल। मैं बोलता हूँ वो 1 करोड़ की गाड़ी को मात डालती है वो गाड़ी जो यहाँ पे आज की डेट में लड़के काम करवा के ला रहे हैं, उनको सैल्यूट है दोस्तों वैसे ड्राइवरों को। पर एक हम है, पर चलो हम भी करवा ही रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों मैं क्या बोलना चाहूँगा कि मैं यही बोलना चाहूँगा अपने जितने भी मेरे ड्राइवर भाई मेरी वीडियो देखते, कि अपना ये घर है अंदर से इसको साफ़ सुथरा रखो, गंदगी में मत रहो। गंदगी में रहोगे तो लोग वैसे ही बहुत अच्छा बोलते हैं, जितना हमारा बनता है हम उतना साफ अपना कमरा रखेंगे। ये हमारा कमरा है दोस्तों, इसमें रहना भी है सोना भी है, तभी मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, अब धो भी ली हमने गाड़ी, चलो देखते हैं अब। दोस्तों हम ब्रह्मपुखर पहुंच चुके हैं, अब हम गाड़ी यहीं लगाएंगे, यहाँ बैक ले जाएंगे दोस्तों, गाड़ी पीछे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे जगह नहीं है गाड़ी लगाने को। दोस्तों क्या है कि गाड़ी हमने मोड़ के लगाई, जो फ्यूल टैंक है वो हमने कर दिया सड़क की तरफ, क्योंकि क्या चक्कर है कि घर नहीं ले जाएंगे गाड़ी, क्योंकि डीजल बहुत महंगा है, तो चक्कर ये है कि चोरी होने की बहुत चांस रहते हैं डीजल के, इसलिए मैंने इसको घुमा के लगा दिया ताकि कोई टैंकी से चोरी ना कर सके, क्योंकि रोड साइड टैंकी रहेगी तो कोई ना कोई गाड़ी आती जाती रहेगी, चोर चुरा नहीं पाएंगे। बाकी तो चोरों का तो क्या कहना दोस्तों, वो तो चुरा ही लेंगे जब ऐसे ही आ जाएगा मामला। वैसे तो जगह ये खाली थी, पर यहाँ पर बस लगी थी पहले से ही, तो साढ़े ने बस थी तब निकाली जब मैंने गाड़ी मोड़ के लगा दी, अब कल फिर से आके घुमानी पड़ेगी गाड़ी, तब जाके गाड़ी जाएगी। अब देख सकते हो मैं ब्रह्मपुखर पहुँच गया हूँ, अब घर से फ़ोन आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या चक्कर हो गया है, घर जाना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों ब्रह्मपुखर तो मैं पहुँच गया हूँ, अब यहाँ से क्या चक्कर है कि घर जाना पड़ेगा, घर से फ़ोन आ रहा है, घर वाले बुला रहे हैं, कुछ दिक्कत होगी नहीं कि घर आ जा, तब आज तो हम घर चले जाएँगे, हम कल जाएँगे रोपड़ दोस्तों, रोपड़ का तो कैंसिल हो गया, उसको मैं आपको आज दिखाता, बारिश में कई बार बहुत कुछ होता है देखने को, पर अब घर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है कि बात है ऐसी, कुछ मेजर बात है
मेरे को बार बार बंदे बोल रहे थे कि हाँ भाई ये बात कर, ये बात कर। तो क्या चक्कर है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ड्राइवर भाई जिनको मालिक पगार नहीं देते, पगार मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं देते, जैसे एक महीना देंगे, फिर तीन महीने रोक देंगे, फिर चौथे महीने देंगे, फिर से रोक देंगे, मतलब छः छः महीने की लेने की हो जाती है। स्पेशली मेरे साथ भी यही केस हुआ है, मेरे पास भी चार पाँच महीने की पगार है कहीं पे रुकी हुई, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कहाँ रुकी है, दे नहीं रहे हैं, हो सकता है अपनी भी कुछ प्रॉब्लम हो। मैं ये नहीं कहता कि इसमें मालिक लोगों की कोई वो है, गलती है, हो जाता है, कई बार काम नहीं होता, काम बहुत कम होता है, गाड़ी की किस्ती निकल पाती है, इतना ज़्यादा काम नहीं होता कई बार, पर दोस्तों कई बार ड्राइवर की भी गलती रहती है दोस्तों, ड्राइवर भी कुछ एक ऐसे ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से मालिक को तनख्वाह रोकनी ही पड़ती है, रोकनी क्या दोस्तों, देते ही नहीं है मालिक, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि कुछ एक काम ऐसा ड्राइवर भी करते हैं जिससे वो क्यों देंगे, और फिर वो मेरे को आप खुद बताओ क्यों देंगे ऐसे काम करने पे। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी मालिक को टारगेट कर रहा हूँ या मैं किसी ड्राइवर को टारगेट कर रहा हूँ, मैं दोनों को यही बोलता हूँ कि मिलजुल के चलें, ठीक है, थोड़ा समझ के चलें। हाँ, परिवार दोनों के, मालिक का भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मेरे साथ भी यही केस हुआ, मेरी भी कहीं चार पाँच महीनों की तनख्वाह जो रुकी हुई है, पर मैं नाम नहीं लूँगा दोस्तों। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ठीक है ये गलत है या वो गलत है, गलत तो दोनों ही है, क्योंकि ये कोई सरकारी काम तो है नहीं कि हाँ ठीक है महीने बाद आ गई तनख्वाह चल पड़ी। दोस्तों रोज़ का काम है, सड़क में कुछ हो जाता है तो घर वालों को, तो ये सरकारी काम नहीं है कि हाँ भाई इतना मुआवजा मिलेगा, यहाँ कोई पता नहीं है कितना मुआवजा मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा, तनख्वाह देगा अभी मालिक या नहीं देगा। मैं मालिक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं फिर से यही बोलूँगा, क्योंकि मालिक भी अपनी जगह सही है, कई बार ड्राइवर का काम ही ऐसा होता है कि मालिक तनख्वाह नहीं देते, मालिक भी अपनी जगह सही है, और ड्राइवर कई बार दोस्तों मैं हूँ, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ किसी की, मैंने कोई गलत बात नहीं की, चलो मैं अपने मुँह से तो क्यों बोलूँगा, फिर भी नहीं करी जहाँ तक मेरे को है अपने पे, क्योंकि हम ये गलत काम करते ही नहीं है, मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि क्या क्या कर देते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी अगर पगार रुक जाती है, यही एक साधन है दोस्तों, मैं गाड़ी चलाने का यही एक मोटिव है, मैं क्या करता हूँ कि यहीं से कमाऊँगा, घर का सिस्टम भी चला हुआ है, फिर यहीं से अपना गानों का भी कर रहा हूँ दोस्तों, फिर आप मेरे को बताइए कि इसमें तो गलत बात है पगार रोक देनी। मैं मानता हूँ कि कई बार नहीं होता तीन महीने का, हम चार महीने का, पाँच महीने, मतलब अगर हमारे को खुद बोलना पड़े कि भाई मेरी तनख्वाह दे दे, तो उसमें मज़ा क्या है दोस्तों, इससे अच्छा क्या है कि आप खुद ही हमारी तनख्वाह दे दिया करो। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मालिक लोगों को, मैं यही बोलूँगा कि कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि हाँ ये तेरा काम नहीं है, मैं जानता हूँ ये मेरा काम नहीं है ये सब बोलना, पर मैं एक ड्राइवर की बेसिस से बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ पे, वहाँ आपकी मर्ज़ी है, पर कम से कम जो काम करके दे रहा है आपको, जो मेहनत कर रहा है, दिन रात चला हुआ है, उसको तो तनख्वाह दो कम से कम टाइम से, उसको ऐसे मत लटकाओ कि उसको पीछे दिक्कत हो जाए फैमिली, क्योंकि हमारे भी परिवार हैं, हमें भी देखना पड़ता है, जैसे आप लोगों के परिवार है वैसे हमारे भी परिवार है। मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैं सब मालिकों को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक मालिक हैं जो नहीं देते, रोक देते हैं पगार, आप कम दो पर टाइम से दो, मैं यही कहूँगा, और मैं ड्राइवर भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाइयों ऐसे काम मत करो जिससे आप लोगों को ये सब दिक्कतें आएँ, क्योंकि आप लोगों को ये दिक्कत आती है उसके बाद आप लोग गाड़ी छोड़ते हो, फिर नया ड्राइवर आता है उसको भी यही दिक्कत आती है, वो गलत नहीं करता पर उसको फिर ये सिचुएशन हो जाती है कि भाई तेरे उसको एक महीने की तनख्वाह मिलेगी, फिर दो महीने रुकेगी, तीसरे की मिलेगी, फिर चार महीने रुकेगी, फिर एक दोस्तों बारह महीने में चार महीने की तनख्वाह मिलेगी, आप सोचो कि उतने में क्या करेगा ड्राइवर, उसने अपना, मैं तो चलो अभी कमा रहा हूँ, जिसके बाल बच्चे हैं वो कैसे काम करेंगे, ये सरकारी काम नहीं है। तो आप मेरे को बताओ कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेरे को बड़े दिनों से बोल रहे थे कुछ एक ड्राइवर कि भाई ये मैटर, तो मेरे मन में ये था कि यार मैं मैटर तो छेड़ दूँ पर किस हिसाब से मैं ये मैटर छेड़ूँ, मेरे को तो हेट ही मिलेगी दोनों साइड से, लोग बोलेंगे यार तेरा ये काम नहीं है, मालिक बोलेंगे यार ये क्या बोल दिया, ड्राइवर बोलेंगे ये क्या बोल दिया, क्योंकि गलती ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती दोनों तरफ से होती है, कई बार मालिक की गलती रहती है, कई बार ड्राइवर की गलती रहती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ड्राइवर दूध के दूल्हे हैं, पर मैं मालिक को भी दूध का दूल्हा नहीं कहूँगा, मैं यही बोलूँगा कि दोनों तालमेल बना के चलो, ठीक है, जिसने आपके पास 20 लाख 50 लाख की गाड़ी दी है उसको आप पे विश्वास है तभी उसने आपके पास गाड़ी दी है, पर मैं ये भी बोलूँगा कि जिसने दे रखी कि भाई जब काम नहीं है तब हम समझते हैं, पर जब काम है तो आप कृपया करके हमारी तनख्वाह हमें टाइम से दे दिया करो। अच्छा नहीं लगता हम खुद बोलें कि हाँ भाई मेरी तनख्वाह, रोते रोते हुए बोलें मेरी तनख्वाह दे दो, मेरी तनख्वाह दे दो, कम दो, मैं ये नहीं कहता कि आप बढ़ चढ़ के दो, कम दो मगर वक्त से दो। मेरे को पता है ये चीज़ें अब इसके बाद हेट आएगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं डरता हेट से, क्योंकि अपने को ऐसा कोई वो चक्कर नहीं है, हमारा क्या है, हम तो ये चलाएंगे कोई और चलाएंगे, हम तो गाने लिख लेंगे, गाने गा लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे दोस्तों, सबको सब कुछ आता है, हर चीज़ से परिपूर्ण है, कुछ नहीं छोड़ा नहीं है,
पर मैं यही बोलूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जितने भी मालिक लोग हैं, जितने भी ड्राइवर लोग हैं, कि भाई मिलजुल के चलो। मेरे को डिमांड आई थी, मैं तभी इस बात को छेड़ा। वैसे मेरा कोई ऐसा हो नहीं था, मैं तो सिर्फ यही दिखाने वाला हूँ अपने ट्रक का, जो भी जैसे जैसे ड्राइवर रहते हैं, कल्चर है, वही दिखाने वाला हूँ। पर इसकी डिमांड आई थी तो मैं इसको जितना मेरे से हो पाया मैंने बोल दिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे को अपना ओपिनियन देना कमेंट में कि मैंने ठीक बोला, मैंने गलत बोला, मेरे को बताना कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। बाकी दोस्तों मेरे को जाना पड़ेगा घर, अब कल जाएंगे हम रोपड़, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को आप लोगों को अपना कल्चर दिखाते हुए, और आप लोगों का प्यार भी इतना आ रहा है कि मेरे से रुका नहीं जा रहा है। मैं बार बार सोचता हूँ कि ठीक है अगला कुछ कंटेंट और देता हूँ, कुछ और देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे गानों को भी ऐसे ही प्यार देते हो, आप मेरे व्लॉग्स को भी ऐसे ही प्यार देते हो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।